हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईआरटी सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम सबके साथ एक वीडियो और लेके आए हैं जिसमें हम आपको एच लुकअप के बारे में बताएंगे। एच लुकअप क्या होता है, एच लुकअप कैसे यूज करते हैं और एच लुकअप का सिंटेक्स क्या होता है तथा इसमें एच लुकअप सिंगल मोड में कैसे लगाते हैं प्लस उसी सेम पेज से कैसे यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो, चलते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ डेटा दिख रहा होगा जहाँ पर आपको अब रोबोट किट के जैन फेब एंड मार्च मंथ का सेल का डेटा निकालना है। अगर आप इसे वी लुकअप के थ्रू करेंगे तो आपको सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। रोबोट किट को जो कॉलम लाइन है उसको आपको लेफ्ट साइड ले जाना पड़ेगा, तो ये सब करने में आपको टाइम भी लगेगा। प्लस आपको अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा है तो उसमें करने में आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, तो उसको बचने के लिए हमें एच लुकअप की सहायता लेते हैं और एच लुकअप को भी स्टार्ट कर बताते हैं। इक्वल टू एच लुकअप, अब आपको देखिए क्या टेबल लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मीन्स आप क्या चाहते हो। हम चाहते हैं रोबोट किट का डेटा, तो हमें रोबोट किट पर जहाँ पर लिखा वहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमें सर फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमें क्या टेबल एरे मतलब कहाँ से आप चाहते हो, अब वो किस डेटा से चाहते हो, तो हमें ऊपर ही डेटा जो दिख रहा है यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी डेटा में से हम चाहते हैं आए, तो यहाँ पर फिर सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देने के बाद अब हमें क्या चाहिए, जैन मंथ का प्रोडक्ट चाहिए कि जैन मंथ में कितना सेल हुआ था। तो जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है उसमें जैन मंथ किस पोजीशन पर है, देखिए फर्स्ट सेकेंड दो नंबर पर है, तो यहाँ पर टू लिखिए और कामा देके अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या मिलता जुलता। हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर जीरो इंटर करिए, जीरो इंटर करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर वैल्यू जैन मंथ में कितना सेल हुआ, 424। ऐसे ही फेब मंथ में भी आपको एच लुकअप लगा के दिखाते हैं आपको फिर रिपीट करने के लिए। इक्वल टू एच लुकअप, अब यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू क्या है, हमें क्या चाहिए, रोबोट किट का डेटा चाहिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब हमें किस टेबल एरे क्या लेना है, ऊपर के जहाँ पर डेटा है उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर मतलब फेब मंथ कौन से नंबर पर है, यहाँ पर 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर कॉमा देके 3 लिखिए, फिर कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या मिलता जुलता, एग्जैक्ट वैल्यू कहिए, 0 दबा के इंटर कर दीजिए। तो ये तो आसान था सिंगल सेल में एच लुकअप कैसे लगाते हैं उसका प्रोसेस। अगर आपको आप चाहते हैं कि किसी एक सेल में हम एच लुकअप लगाएं और उसे क्लिक करके आगे बढ़ाने पर हमारा डेटा ऑटोमेटिक आ जाए तो उसका भी एक प्रोसेस है। देखिए आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अगर आप चाहते हैं ऐसा हो कि आप यहाँ पर एच लुकअप लगाए हैं उस पर क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए एच लुकअप लगा हुआ है, इसे क्लिक करके आगे बढ़ाने पर आपके फेब एंड मार्च मंथ का भी डेटा आ जाए, आपको कुछ करना न पड़े, बार बार फार्मूला न डालना पड़े, तो इसका भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो इस टाइप का एच लुकअप लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले टेबल एरे और लुकअप वैल्यू दोनों को फिक्स करना होगा। चलिए मैं आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ, इसी डेटा से करके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू एच लुकअप, अब देखिए सबसे पहले क्या है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, रोबोट किट क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, टेबल एरे, टेबल एरे ये हमें सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए अब हमें इसको फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए हमें अपने लैपटॉप के Fn बटन को प्रेस करके F4 प्रेस करना है, और इस पर भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट करके Fn बटन दबा के आपको F4 प्रेस करना है, फिर कॉमा देना है। अब आपको क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज करते हैं कॉलम्स का, यहाँ पर हम कॉलम्स का जो फार्मूला यूज करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि बेस को फिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो रोबोट किट का डेटा है वो वेरिएबल करता रहे। तो हम एक बार करके आपको दिखाते हैं कॉलम्स, अब हमें कुछ डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग से, सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके B3 वाले को फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद वही Fn करके उसे फिक्स कर लेंगे, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें मिलता जुलता वैल्यू चाहिए या एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें 0 को प्रेस करना है और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करना है। देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गया, अब वैल्यू आने के बाद क्या करिए, इसके लास्ट में जाके इसे क्लिक करके आगे बढ़ाइए,
देखिए आपका जैन फेब एंड द मार्च मंथ का डेटा आ गया। अगर ये डेटा आपके पास बहुत बड़ा होता और आपको ऐसे डेटा निकालना होता तो बहुत ही आसानी से आपका ये डेटा निकल जाता। तो ये था बहुत ही आसान तरीका जहाँ से आप इस स्टेप्स को फॉलो करके वे एच लुकअप को लगा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।